Hi everyone, and in this video I'll be solving this 17th question from the question paper standard 2024 ka. The center of a circle is at 20. Agar circle hai uska center 20 pe hai, and if one end of the diameter is at 6.6, 0, agar koi diameter circle ki uska one end hai 60 pe, तो इसका जो ये वाला एंड है ये फाइंड करना हमें क्या होगा. तो एज वी नो दैट कि डायमीटर का सेंटर हमारा क्या है 20. तो सेंटर क्या होगा, बेसिकली मिड पॉइंट होगा. एंड मिड पॉइंट बेसिकली क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर मिड पॉइंट निकालना है किसी भी टू पॉइंट्स का, मिड पॉइंट तो कैसे निकलता है, तो वो होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2. ये होता है फॉर्मूला. तो इसमें हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है, x वाला गिवन है इसमें. तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कहाँ है इसका अंडू, हाँ, तो हमें क्या गिवन है इसमें, हमें x गिवन है, हमें x वाले को यूज़ करने वाला है क्योंकि y वाला तो 0 रहने वाला है ऑब्वियस है, क्योंकि देखो ये 0 है एंड ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा ऑब्वियस है. तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, जिसमें से हमें x1 निकालना है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है. तो क्या होगा, तो x क्या है हमारा 0, सॉरी x है हमारा 2 एंड x1 क्या होगा हमारा, x1 होगा ये जो निकालना है हमें, और x2 क्या होगा हमारा 6 है एंड अपॉन में 2. तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, 4 इज़ इक्वल टू x1 प्लस 6. तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा x1 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 6 विच इज़ माइनस 2. तो यानी कि x की वैल्यू क्या आई है इसमें, x की वैल्यू आई है माइनस 2 एंड y की वैल्यू 0 आएगी. अगर आप निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, अगर हम मिड पॉइंट y को 0 रखते हैं क्योंकि इसमें 0 लिखा हुआ है एंड y को 0 रखते हैं तो ये क्या होगा हमारा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 एंड क्योंकि ये 0 है, y1 हमें निकालना है, ये y2 भी 0 है, इसमें देखो y2 भी 0 है अपॉन में 2, तो जो y1 आएगा वो भी 0 आएगा. यानी कि जो पॉइंट आया है वो क्या निकले हमारे, ये वाले इस वाले के पॉइंट आए वो क्या निकले हमारे, द हेल, हाँ, तो इसके पॉइंट क्या निकले हमारे, माइनस 2 एंड 0. एक्स की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 2 और वाई की 0 आ गई. इसका करेक्ट आंसर है ये, देखो ये गलत कर दिया लड़के ने, यहाँ बी लगा दिया, होना चाहिए था हमारा सी. Fine, so that's how you can solve this question.